भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा रायसेन पहुंच चुकी है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यात्रा को संबोधित किया और कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 18 वर्ष के कार्यकाल में विकास के नए आयाम छुए। चाहे नारी सम्मान का मामला हो या फिर किसान सम्मान निधि, बेरोजगार को सीखो कमाओ योजना से लाभ मिल रहा है। वहीं सड़क बिजली सिंचाई क्षेत्र में शिवराज सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने भरपूर योगदान दिया है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि भाजपा राष्ट्रीयता नारी सम्मान की बात करती है। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस ने के वादे किया था किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। कमलनाथ सरकार अपने वादे पर खरी उतरी नहीं उतरी और कमलनाथ की 15 महीने में सरकार का पतन हो गया। उनको हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे और जो आशीर्वाद आपने चुनाव में 64,000 से दिया था, आज सारी की सोलर सिटी देश में पहली बनने जा रही है, देश की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। अभी 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सांची में आए थे, हम लोगों ने मांग की थी आपकी तरफ से कि अब रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उन्होंने घोषणा की आने वाले समय में भी रायसेन में मेडिकल, ये विकास के कारण आने वाले समय में इस क्षेत्र को, इस रायसेन को, इस विधानसभा को विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। आप सबका समर्थन और आशीर्वाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ये डबल इंजन की सरकार को मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हम सब आज माननीय मिश्रा जी को यहाँ पर सुनेंगे, मैं आपकी वाणी को यही विराम देता हूँ। भारत माता की।